Hello, good morning dear students and welcome to back Gopi Coaching Classes. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइलोटैक्सी के बारे में. फाइलोटैक्सी जो टॉपिक है आपके पास में, ये टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर से है. फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन को और उसके टाइप्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझने वाले इस वीडियो के अंदर. ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, अमेजिंग होगा, कॉन्सेप्चुअल भी होगा और थ्योरेटिकल भी होगा. और इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको फाइलोटैक्सी बिल्कुल समझ में आएगा और उसके टाइप्स भी आपको समझ में आएंगे यार. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलोटैक्सी के बारे में. फाइलोटैक्सी का डेफिनेशन क्या होता है सबसे पहले उसको समझेंगे. फाइलोटैक्सी बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इसको कहते हैं. यानी कि एक स्टेम पे, एक ब्रांच पे आपके पास में लीफ का अरेंजमेंट पैटर्न क्या है, यानी कि लीव्स, लीफ या पत्तियां आपके पास में स्टेम पे किस तरह से अरेंज है, वो ब्रांच पे किस तरह से अरेंज है, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, फाइलोटैक्सी. तो जब भी आपसे कोई पूछे यार कि फाइलोटैक्सी क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइलोटैक्सी, तो क्या बोलेंगे आप कि फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच. इसी को अपन क्या बोलेंगे, फाइलोटैक्सी बोलेंगे. यानी कि स्टेम पर, ब्रांच पर आपके पास में लीव अरेंज किस तरह से, किस तरह से उनमें अरेंजमेंट लीव्स है या लीव्स का अरेंजमेंट है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं यार, फाइलोटैक्सी कहते हैं. फाइलोटैक्सी यूजली तीन तरह का होता है या तीन तरीके से आपके पास में स्टेम और ब्रांच पे लीफ अरेंज हो सकती है. कौन कौन से वो तीन तरीके हैं या तीन टाइप है फाइलोटैक्सी के, इसके बारे में बात करते हैं यार. तो पहला हम बात करेंगे अल्टरनेट के बारे में. किसके बारे में, अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ऑलराइट और ब्रांच. सेकेंड हम बात करेंगे आपके पास में अपोजिट के बारे में, अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच. सेकेंड हम सॉरी थर्ड हम बात करेंगे यार किसके बारे में, थर्ड हम बात करने वाले हैं वर्ल के बारे में. वर्ल बोले तो चक्रदार, ओके, कि किस तरह से आपके पास में वर्ल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है स्टेम पर. तो चलिए इनको हम बात करेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम्स के थ्रू और स्टडी करते हैं राइटिंग फॉर्म के अंदर, जहां आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फाइलोटैक्सी के बारे में. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बार वापस से डेफिनेशन राइटिंग फॉर्म के अंदर बताता हूँ कि फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच. कि आपके पास में क्या होता है यार, कि जो लीफ होती बेसिकली, ये लीफ आपके स्टेम पे कैसे अरेंज है, या फिर जो आपकी ब्रांच है उन ब्रांच पे इनका अरेंजमेंट कैसा है. दैट मीन क्या हो गया, लीफ में सॉरी स्टेम पे अरेंजमेंट कैसा है और ब्रांच पे अरेंजमेंट कैसा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइलोटैक्सी. चलिए अब बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं बेसिकली. तो मैंने आपको बता चुका हूँ यार, तीन टाइप के होंगे बेसिकली, यूजली तीन टाइप के दे रखे हैं आपके. अल्टरनेट होता है सबसे पहला, सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, अल्टरनेट. सेकेंड कौन सा होता है, अपोजिट. एंड थर्ड कौन सा आपके पास में, वर्ल्ड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अल्टरनेट को स्टडी करेंगे. किसको स्टडी करेंगे, अल्टरनेट को. अल्टरनेट क्या कहता है समझिए. इन दिस टाइप ए सिंगल लीफ अराइज ईच नोड्स. भाई आपको पता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, नोड्स प्रेजेंट होती है. देखिए दिस इज आपके पास में ये ब्रांच हो गया स्टेम. अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक नोड प्रेजेंट है यहाँ पर. तो यहाँ पर ईच नोड से देखिए, ये मैं नोड बना रहा हूँ यहाँ पर आपके पास. इसको अपन पिंक कलर से बना देते हैं, सर पिंक आया नहीं, रेड से बना देते हैं. चलो तो दोस्त ये आपका नोड है. तो यहाँ से देखिए, एक नोड से क्या होगा, सिंगल नोड से एक सिंगल लीफ बनेगी यहाँ पर आपके पास में. तो यहाँ से क्या बना, एक लीफ अराइज हुई और ये एक लीफ ही अराइज होगी आपके पास में और अल्टरनेट बनती है आपके पास में. अल्टरनेट कैसे, अगर एक बार इस नोड से इधर बनी तो दूसरे से इधर बनेगी आपके पास में. इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखे, इस तरह के स्टेम पे, ब्रांच पे, इस तरह के स्टेम पे या ब्रांच पे आपको लीफ इस तरह से दिखती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अल्टरनेट बोलेंगे. क्या बोलेंगे,
अल्टरनेट बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। कहाँ मिलेगा आपको यार ये मिलेगा आपको मस्टर्ड के अंदर मिलेगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना रोज एंड सनफ्लावर। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट अरेंजमेंट या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सेकेंड बात करते हैं अपोजिट के बारे में। अपोजिट के अंदर क्या होता है यार, ये अपोजिट का है आपके पास में, अपोजिट में क्या होगी एक चीज़ आपके पास में, अपोजिट में होगा ये कि यहाँ पर जो नोड प्रेजेंट होती है, दिस इज अ नोड, क्या बनाते हैं इसको नोड बनाते हैं, इस नोड से क्या होता है दोनों लीव्स दोनों तरफ यानी बोथ साइड्स, यानी अपोजिट साइड में भी क्या बनेगी आपके पास में लीफ बनेगी। दिख रहे हैं आपको यहाँ पर देखो इस तरह से, इधर भी लीफ है ये और इधर भी लीफ है ये, इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखे, इस तरह की कंडीशन आपको दिखे तो क्या कहेंगे यार इसको अपन, इस तरह का अरेंजमेंट होता है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट होता है। चलिए बात करते हैं अपन किसके बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास में, गवावा एंड कैलोट्रॉपिक्स। तो गवावा एंड कैलोट्रॉपिक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड की बात करते हैं, इफ़ मोर देन टू लीव्स अराइज ईच नोड, जैसे कि बात करते हैं एक नोड आपके पास में ये था, एक नोड एक ये था आपके पास में, ऑल राइट। अब क्या होता है यहाँ पर आपने देखा कि दो बन चुके थे अपोजिट साइड में, अब दो से ज़्यादा लीव्स अराइज हो जाए, जैसे कि बात करते हैं इस नोड के बारे में, ये नोड बनाता हूँ मैं, अब यहाँ पर मैं एक लीव बनाने वाला हूँ बेसिकली। ये अपन कलर ले लेते हैं कोई सा अच्छा सा, क्या अच्छा सा कलर अपन कौन सा ले, ये ले लो चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में लीफ अराइज होगी, लेकिन दो से ज़्यादा हो रही है, दिख रहा है आपको ये, मैं कितने बना देता हूँ पाँच बना देते हैं चलो पाँच बनाए अपन ने। अब क्या होगा दूसरी नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये नोड ये कनेक्ट कर देते हैं अपन नोड्स, ये नोड हो गया आपके पास। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाए, सेम चीज़ क्या हो जाए आपके पास में, इधर भी लीव्स क्या हो आपके पास में इस तरह से अराइज हो। तो आप देखोगे यहाँ पर कि लीफ जब इस तरह से अरेंज होती है तो एक चक्र जैसी स्ट्रक्चर बनती है, देख सकते हो आप यहाँ पर एक पूरा का पूरा साइकिल बन गया है देखो लीफ का। तो इसी वजह से इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कहलाता है। क्या कहते हैं इसको यार, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड, प्रत्येक नोड से एवरी नोड से अगर दो से ज़्यादा लीव्स अराइज हो रही हैं तो अपन क्या कहेंगे दोस्त इसको, हम इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के फाइलोटैक्सी को आप क्या बोलते हो, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बोलते हो। और इसका एग्जांपल क्या है आपके पास में, अल्स्टोनिया, इसका एग्जांपल होता है अल्स्टोनिया, या जिसको अपन क्या बोलते हैं डेविल ट्री बोलते हैं, एंड नीरियम ऑल्सो। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। आई बात समझ में आपको, फाइलोटैक्सी का आपको आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गया, आपको इसके टाइप क्लियर हो गए, अल्टरनेट क्लियर हो गया, अपोजिट क्लियर हो गया होगा और वर्ल्ड क्लियर हो गया होगा आपके पास में। एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना यार, वर्ल्ड का एग्जांपल है, वर्ल्ड का एग्जांपल अल्स्टोनिया एंड डेविल ट्री होता है। अपोजिट का एग्जांपल क्या होता है यार, अपोजिट का एग्जांपल गवावा एंड कैलोट्रॉपिक्स होता है। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या होता है, मस्टर्ड चाइना रोज एंड सनफ्लावर होता है। आई बात समझ में आपको, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइलोटैक्सी। आई होप फाइलोटैक्सी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको फाइलोटैक्सी का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको फाइलोटैक्सी से रिलेटेड जो भी डाउट्स और जो भी आपके मिसकंसेप्शन थे या कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। फाइलोटैक्सी आपको इन ईजी वे के अंदर समझ में आया होगा, फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन आपके माइंड के अंदर क्लियर हो गई होंगी, आपका एनसीईआरटी भी कवर हो गया होगा और नीट में यहाँ से आपके पास में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अल्टरनेट में का एग्जांपल पूछ सकते हैं आपसे, अपोजिट का एग्जांपल पूछ सकते हैं आपसे और वर्ल्ड का एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल्स आर मस्ट नेसेसरी और इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम्स, ऑल राइट। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इस YouTube चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ यार इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर नीट के लिए और बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन कंटेंट को दिया जा रहा है। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और ये जो पास वाला जो बेल आइकन का बटन है यार, इसको भी क्या करें, प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डले तब तब आपको बहुत जल्दी से एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि यार गोपी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो डल चुका है, हमें वो देखनी चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा डाला है सर ने,
ऑलराइट। एंड यार शेयर करो यार अपने दोस्तों तक, आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इसको शेयर कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, ट्विटर वगैरह चलाते हो तो उस पर भी शेयर कर सकते हो। प्लीज़ शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसको देख सकें, और इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है तो ज़रूर शेयर करना चाहिए आपको। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हो बायोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मेंशन जरूर कर दें यार। कमेंट सेक्शन में जाओ और उसको टाइप करो जो भी प्रॉब्लम आपकी है। और बस यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर किसी नए बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। बाय।